तेरे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर है। जब तुम गौओं के चराने के लिए ब्रज में निकलते हो तब ये सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकर तिनके कुश कट गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। अमृत मिलन के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है, वह विरह जन समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। ये गाने वाली बांसुरी आपके अधर को चूमती रहती है, जिन्हें एक बार इसे पी लिया उन लोगों को दूसरों को और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण कभी नहीं होता। हे हमारे वीर, अपना वही अधर अमृत एक बार वितरण करवा दीजिए, पिला दीजिए। Thank you.
सुजात चरणाम्बर स्तनेषु भीताशने प्रिय ददे मही कर्कशेषु तेनाटवटी मटसि तद व्यतते न किंस वितः पूर्पादिभ्री भ्रमति दीर्घपदायुषां नः इति गोपे पगायन्तः प्रपन्तश्च चित्रदः रुदुसु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपिकाएं छटपटाती हैं, अंतर्निहिता के उस परम वेदना से भर जाती हैं। प्रभु हमें इस बात का दुख नहीं है, आप अकेले छोड़कर चले गए हैं। कष्ट तो इस बात का, आपके चरण बड़े कोमल हैं, बड़े सुकोमल हैं, आपके चरणों में कोई कंकर पत्थर चुभ ना जाए ये सोचकर भी हमारा हृदय व्यथित हो रहा है। प्रभु एक बार वापस आ जाइए और अपने वही सुकोमल चरण एक बार हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारी व्यथा को शांत कर दीजिए। और जब गोपिकाएं इस प्रकार छटपटाई, जोर जोर से रोने लगी, धरती पर गिर पड़ी, पर वो एक बार अपने चरण वक्ष स्थल पर ब्रह्मा को कोसती है, ब्रह्मा तुमने पलके भी क्यों बनाई। जब एक बार पलक गिरती है और भगवान का जो दर्शन नहीं होता, गोपिकाएं उसमें भी दर्द महसूस करती हैं। पर वो ये ब्रह्मा बनाने वाला ब्रह्मा मूर्ख है, वो ब्रह्मा को मूर्ख कह रही है, ये पलक भी क्यों बनाई। जितने पलक झपकती है और घनश्याम नहीं दिखते, हमें वो भी पीड़ा होती है। इतना अनंत प्रेम गोपिकाओं का, छटपटाने लगी, विलाप करने लगी, धरती पर गिर पड़ी, जोर जोर से चिल्लाने लगी और सारा संसार विस्मृत हुआ, गोपिकाओं को अपना आप विस्मृत हुआ। और गोपिकाओं की ये रुदन, गोपिकाओं का ये विरह केवल कृष्ण दर्शन लालसा के लिए है। और उसी वक्त तासाम विरवित छोरी समयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर साक्षान मन मथ उसी वक्त वृंदावन बिहारी गोपिकाओं को दर्शन देने के लिए उनके सन्मुख प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए नंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और जैसे प्रभु सन्मुख आए, गोपिकाओं ने पकड़ लिया, क्यों रे श्याम सुंदर, हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे। और भगवान क्या कहते, गोपिकाओं कहीं गया नहीं था, मैं तो तुम्हारे मध्य में छिप गया था घूंघट ओढ़कर, ये देखने के लिए कि देखो तो सही कि मेरी गोपिकाएं मुझे कितना प्रेम करती हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान आनंद कंद भगवान की जय। फिर क्या था, गोपिकाएं ले गई घनश्याम को यमुना के पुल पर। आइए प्रभु, देखो रात्रि का वक्त है और गोपिकाएं भगवान से कहती है प्रभु को धर्म का उपदेश करें। उपदेश देने का भी कोई समय होना चाहिए। रात्रि के वक्त में 2-3 बजे गोपिकाएं कह रही हैं भगवान से कोई धर्म का उपदेश करो। और भगवान भी बड़े अजब और गजब के हैं। भगवान के ठीक गोपिकाओं धर्म का उपदेश करूंगा, लेकिन उपदेश देने वाला ऊपर बैठता है, सुनने वाला नीचे बैठता है, मुझे आसन दो। ले इतना बड़ा वन, यमुना का प्रेम, आधी रात का वक्त है और भगवान भी गजब की बात करते हैं, गोपिकाओं आसन दो। अब बताओ ये भोली भाली गोपिकाएं आसन कहां से लेकर आए। लेकिन जो गोपिकाओं ने आसन दिया, क्या दिव्यतम आसन प्रदान किया। मन में अभिलाषा हो प्रभु की सेवा करने की, अगर आपका मन सेवा करने के लिए तैयार है तो फिर सब हाजिर हो जाएगा। ललक हो अपने प्रभु की सेवा करने की। कन्हैया ने कहा आसन दे, धर्म का उपदेश होगा। आधी रात के वक्त में आप विचार करो कहां से आसन लेकर आए गोपिकाएं। यहां पर आए हैं, आसन आसन मांगा गया, इतना सुंदर आसन यहां बैठा रख दिया गया और मजे से बैठकर धर्म की बात हो रही है। कितना सुंदर सजा दिया गया, बड़े आनंद से बात हो रही है। घना जंगल रात्रि का वक्त 2 बजे और आकर मैं कहूं चलो आसन लेकर आओ, कहां से लेकर आओ। पर गोपिकाएं हैं, अंतर में प्रेम हो प्रभु के चरणारविंद के प्रति। गोपिकाओं ने क्या दिव्यतम आसन प्रकट कर दिया। क्या हजारों गोपिकाएं, हजारों गोपिकाएं अपना दुपट्टा उतारती हैं, बिछाया दूसरी गोपिका ने उसके ऊपर बिछाया, सस्त्र गोपिकाओं ने अपने दुपट्टे एक के ऊपर एक रखे और इतना बड़ा आसन बन गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिव्यतम आसन गोपिकाओं ने प्रदान कर दिया घनश्याम को और भगवान विराजमान हुए आसन पर। क्या दिव्यतम आसन, आप विचार करो, जो गोपिकाएं कृष्ण को आसन देती हैं, क्या किसी छोर से ये कृष्ण के लायक है। नहीं,
कहीं से भी आश्रम कृष्ण के लायक नहीं है। क्यों? जब गोपिकाएं रोती हैं इसी दुपट्टे से आंखें साफ करती हैं। गोपिकाओं का आंचल, गोपिकाओं का काजल उससे लगा हुआ है। पसीना आता है, पसीने की बूंदें इस दुपट्टे से लगी हैं। गोपिकाओं का अंग राग निकल जाता है पसीने से, वो सारा इसके साथ लगा हुआ है। किसी छोर से भी ये आसन भगवान के लायक नहीं है, लेकिन जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान, प्रभु ने सहज स्वीकार कर लिया और भगवान आसन पर विराजमान हुए। और किस मुद्रा में? जिस मुद्रा में शेष शैया पर नारायण विराजमान होते हैं, इस मुद्रा में भगवान लेटे हैं। और फिर एक गोपिका भगवान का कंधा दबा रही है, एक गोपिका इस कंधे को दबा रही है, एक गोपिका हाथ पकड़कर हाथ दबा रही है, एक गोपिका चरण दबा रही है, एक गोपिका ने एक चरण को वक्षस्थल पर रखा हुआ है, एक गोपिका पान का बीड़ा भगवान को निवेदित कर रही है, एक गोपिका भगवान को पंखी जल रही है, एक गोपिका बस भगवान को एक टकी निहारे जा रही है, देखी जा रही है, देखती जा रही है, पलक भी नहीं झपक रही है। मैंने पहले कहा ब्रह्मा को गाली दे रही है गोपिका सरयाम 16वें श्लोक में, पति सुतान वय भ्रातृ बांधवा नति विलंगे ते अच्युता गतः गति विस्तवो गीत मोहिता कितव योषिता कस्ते जे नशी। सब कुछ छोड़ दिया, माता पिता बंधु बांधव छोड़ दिया, पलक को भी कह रही है पलक बनाने वाला ब्रह्मा मूर्ख। बोले मूड मती तू, ये भी क्यों बनाई? तू नहीं जानता जितनी देर में पलक झपती है भगवान दिखते नहीं है। वो व्यथा भी गोपिकाओं को तंग करती है। नारद जी ने यूं ही नहीं कहा भक्ति सूत्रों में, जब संतों ने पूछा कोई ऐसा है जिसके मन वचन कर्म घनश्याम के चरणों में परिणित हो गया हो और उसकी एक पल की विस्मृति गोपिकाओं को तड़फा दे, बोले है प्रमाण क्या है? यथा ब्रज गोपिका नाम, ये हमारे ब्रज की गोपिकाएं जो ब्रह्मा को मूर्ख कहती हैं, पलक क्यों बनाई? जितनी देर पलक झपकती हैं पर वो दिखते नहीं हैं। हमें लगता है इसकी झूठ क्या थी? देखो प्रेम की अधिकता है, प्रेम की प्रकाष्ठा है। प्रेम जहां उच्चतम आया, प्रेम प्रकाष्ठा पर आया तो भगवान का मिलन हुआ। फिर छोटी सी विक्षेपता जीव को, भक्त को तंग करती है, प्रेमी को तंग करती है, प्रेयसी को तंग करती है। और फिर घनश्याम सम्मुख हैं, पान का बीड़ा निवेदित किया गोपिकाओं ने, निहार रही हैं गोपिकाएं। और उसी वक्त कामदेव का प्रवेश हुआ। अब कामदेव आए, भगवान ने पूछा आपको किसने आज्ञा दी यहाँ आने की, आपका यहाँ क्या काम है? बोले जहां पर पुरुष और स्त्रियां होंगी कामदेव आएगा। बोले ये तुम्हारी सत्ता नहीं है। बोले जहां होगा तो मेरे बाण चलेंगे तो काम तो प्रकट होगा। भगवान ने कहा तू बाण चला तो वृंदावन धाम की एक चिड़िया में काम उत्तेजना प्रकट करके दिखा दे। कामदेव ने बाण चलाए, वृंदावन धाम की एक किणिका के में अंदर भी कामदेव कामना न प्रकट कर पाया। और उसी वक्त वृंदावन बिहारी ने वेणु हटाई, उठाई वे आदरण से लगाई और जैसे वेणु वादन प्रारंभ किया कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ा। बोल ले जाओ इसे, इसका कोई काम नहीं। आखिर कृष्ण कौन है? कामदेव के बाप है, कामदेव पुत्र है उनका प्रद्युम्न रूप में। और श्री कृष्ण फिर रूप माधुरी, वो अनंत लीला। फिर शुरू हुई रास, पहले रास है फिर महारास। गोविंद मुर हरि माधवा, गोविंद मुर हरि माधवा। प्रिया जी का हाथ पकड़ा कृष्ण ने और मध्य में प्रिया प्रीतम है, शस्त्र शस्त्र गोपिका इर्द गिर्द नृत्य कर रही है। गोविंद मुर हरि माधवा, हो 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 हो, गोविंद मुर हरि माधवा। देखो कुछ पलों के लिए अगर इस लीला का आनंद लेना है तो गोपिका ही बन जाओ, काली की सेवा करो, बैठे बैठे झूमते हुए गाओ। आप यमुना के पुलीन पर है प्रभु के साथ।
रास बिहारी जनार्दना प्रभु रास बिहारी शस्त्र शस्त्र गोपिकाएं उनके इर्द गिर्द नृत्य कर रही हैं, लेकिन नृत्य करते करते गोपिकाएं उदास हो गई। अभी रास है, गोपिकाएं उदास हो गई इसलिए कि ठाकुर जी सदा प्रिया जी के साथ रास करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, आलिंगन करते हैं, लेकिन हमारी ओर तो निहारते भी नहीं है, अश्रुपात करने लगी गोपिकाएं। और प्रभु ने देखा कि मेरी गोपिकाएं उदास हो गई है। और आज के दिव्यतम महाराज मंडल में कोई भी शुद्ध आत्मा उदास नहीं होनी चाहिए। आज तो उल्लास का वक्त है, आज तो आनंद का वक्त है। और उसी वक्त समस्त समस्त गोपिकाओं की उदासी को दूर करने के लिए, उन्हें परम रस देने के लिए, परम आनंद देने के लिए जितनी गोपिकाएं हैं उतने वृंदावन बिहारी प्रकट हो गए। प्रत्येक एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण प्रकट हुए और फिर शुरू हुई महाराज। जनार्दना प्रभु प्रेम बिहारी, जनार्दना प्रभु प्रेम बिहारी, ओ जनार्दना प्रभु प्रेम बिहारी, जनार्दना प्रभु प्रेम बिहारी, जय राधे माधवा, जय राधे माधवा, ओ जय राधे माधवा, जय राधे माधवा, ओ माधवा केशवा का स्वामी तो भक्तों का दास है, यही महारास 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 है। काना रे थोड़ा सा प्यार दे, काना रे थोड़ा सा प्यार दे, काना रे सा प्यार दे, काना रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बिठा के तार 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 दे, ओ सृष्टि के कण कण में तेरा निवास है, सृष्टि के कण कण में तेरा निवास है, सृष्टि के कण कण में तेरा निवास है, यही महारास 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 है। काना रे थोड़ा सा प्यार दे,
काना रे थोड़ा सा प्यार दे, काना रे थोड़ा सा प्यार दे, काना रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बिठा के तार दे, चरणों में बिठा के तार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे, okay।